मैंने ये तीन प्रोडक्ट्स लिए फॉर 100 बात ओनली. सब 3-4 बजे वो रैप अप हो जाती है, बट दैट इज लाइक अ वेरी नाइस मार्केट. कूल इज दैट, मुझे बड़ा मस्त लगा. आई थिंक इंडिया में ऐसे वाले कवर नहीं मिलते. सारी चीजें मैंने ऐसी नोटिस करी जो इंडिया में सस्ती थी वहां पर महंगी है. तो इस वीडियो में आपको काफी सारा ज्ञान मिलने वाला है. क्यूट क्यूट से बैग, आई थिंक मैं इनको भी कैरी कर सकती हूँ. इसका जो प्राइस है ना वो काफी अच्छा है. ये चीजें आपको इंडिया में इतने अच्छे रेट पर नहीं मिलेगी. हम कभी कभी देखते ना 80 का मिल रहा है, उसमें लगता है 80 रुपए का मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है. उसको INR में कन्वर्ट करते हैं. Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. It's time for another haul, or should I say another international haul. कोई मुझे अगर 2023 की स्टार्टिंग में बोलता ना कि आप इस साल दो कंट्रीज कवर करने वाले हो, I would be like, are you joking? But it happened. थू नजर ना लगे. All things good. This was my first ever only girls trip, by the way. And touchwood, I pulled it off really well. Thailand is very safe, so ऐसा कुछ नहीं. हमने काफी roam around किया. Very very safe country. No issues at all. Now coming back to the haul things. तो इस बार क्या है, मेरा बजट थोड़ा सा टाइट था बिकॉज मैंने ऑलरेडी निकलने से पहले थोड़ा सा खर्चा कर लिया था ऑन अपग्रेडिंग माय फोन. सो ऑब्वियसली आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि देखो फालतू का कुछ नहीं लेना. बट बैंकॉक स्पेसिफिकली इज वेरी फेमस फॉर देयर मॉल्स, फॉर देयर स्ट्रीट शॉपिंग, फॉर देयर लोकल शॉपिंग. सो मैंने वो काफ़ी सारी चीज़ें पिकअप करी है. बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं. लेकिन ये वीडियो जो है ना वो मैं खाली हॉल पर्पज से नहीं बना रही. इट्स मोर लाइक एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो. यू गाइज नो कशिका चौहान जब वीडियो बनाती है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होती है एज कम्पेयर टू जस्ट शोइंग ऑफ स्टफ. सो आज की वीडियो में आपको काफी अच्छा गाइड मिलने वाला है ऑन थाईलैंड शॉपिंग स्पेसिफिकली. आई डोंट नो, ये किसी गाड़ी का बड़ा अनोइंग सा अलार्म बजता है ना, आई एम सो डन विद इट. एक तो इस पर्टिकुलर रूम में बहुत शोर आता है, सो प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो में आपको खाली हॉल नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा कि आपको बैंकॉक में स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ शॉपिंग करनी चाहिए, कहाँ पैसे बचाने चाहिए, क्या चीज लेनी चाहिए, क्या चीज नहीं लेनी चाहिए. बिकॉज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर चीज सस्ती है. बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी नोटिस करी जो इंडिया में सस्ती थी वहाँ पर महंगी है. तो इस वीडियो में आपको काफी सारा ज्ञान मिलने वाला है. So without any further ado, let's get started. उससे पहले जरा वापस आएंगे, subscribe button पे hit करेंगे, and now let's go. Starting the first item, because इसी के अंदर सारे आइटम है, तो सबसे पहले यही दिखा देती हूँ. The biggest purchase, not in terms of money, I would say, but in terms of size, is this luggage bag. मैंने काफी सारे vlogs देखे थे Thailand के, और मैंने randomly एक YouTube पे vlog देखा. She said यहाँ के luggage bag Thailand Bangkok में जो luggage bags मिलते हैं वो काफी अच्छी quality के होते हैं. And वहाँ की सारी market में आप कोई भी mall जाओ, कोई भी market जाओ, आपको हर जगह ऐसे luggages दिखेंगे, because it's like the hub of luggages. Now I won't say ये सस्ते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत सस्ते मिल रहे हैं, because let me clear it, Thailand की जो करेंसी है इट इज 2.5 टाइम्स INR. एग्जैक्टली नहीं, लाइक 2.4 यू कैन से. मैं सबके जो प्राइजेस हैं यहाँ पे भात में बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको INR में बता दूंगी. सो ये बैग भी मुझे इतना कोई सस्ता नहीं पड़ा, बट दिस टाइम आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि मुझे लग्जरी आइटम कुछ नहीं लेना, मुझे नेसेसिटी ही लेनी है जो मुझे चाहिए थी. एंड आई रियली वॉन्टेड अ नाइस लगेज बैग, बिकॉज मुझे एक दो बार जब मैंने ट्रैवल किया मुझे प्रॉब्लम आई, मेरे पास यहाँ पे जो लगेज बैग्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है. एंड द थिंग इज वो खुलते हैं दोनों साइड से, एंड आपको इधर स्टफ रखना होता है, इधर स्टफ रखना होता है, और वो आ नहीं पाता अच्छे से. रियली सॉरी फॉर द ट्रैफिक नॉइस. ये वाला जो रूम है ना इसमें इतनी ट्रैफिक की आवाज़ आती है, बट इग्नोर इट. तो ये लगेज बैग काफ़ी यूनिक है. ये आपको लग रहा हो कि ये भी सेंटर से खुलता है, बट ऐसा नहीं है, ये सेंटर से नहीं खुलता, ये सेंटर से खाली एक्सपैंड होता है. सो इसको जो आप ऊपर पूरा ऐसे खोलोगे ये ऐसे एक्सपैंड हो जाता है. जस्ट इन केस आपका लगेज ज़्यादा हो तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, बट ये एक्चुअल में फ्रंट से ओपन होने वाला लगेज बैग. इट ओपन अप लाइक इन अलमीरा, या फिर आप फ्लैट जब कर दोगे तो पूरा आपका एक ऐसे स्टोरेज बन जाती है. एंड इसके अंदर मैंने सारा अपना शॉपिंग का सामान डाला हुआ है. सो इसको खोलते ही मेरा सारा सामान गिरने वाला है, स्ट्रीट शॉपिंग वाला. बट लेट मी जस्ट शो यू, इट इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशियस. एंड अब मैं इसको लटा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ. मैं इसका ना अलग से यहाँ पे शॉट डाल दूंगी, सो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बैग है. इसका व्हील ड्राइव बहुत अच्छा है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी का जो व्हील ड्राइव है ना मुझे आई थिंक इंडिया में भी नहीं मिला. मेरे पास यहाँ पे 2-3 ब्रांड्स के बैग हैं, और ऐसे स्मूथ कोई भी बैग नहीं चलता है. सो या दिस इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड. मैंने बड़ा बार्गेन किया, ये मुझे अलग अलग मार्केट्स में कहीं 1900 का मिल रहा था, 2000 का मिल रहा था, ये फाइनली मैंने बार्गेन करके 1700 बात का लिया है. जो कन्वर्जन होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. एंड या आई थिंक दिस इज समथिंग नेसेसिटी, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज ये तो चाहिए ही चाहिए था. वी हैव जिप्स इन साइड, वी हैव पॉकेट्स, एंड इट इज़ अ रियली गुड क्वालिटी बैग. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रियल आइटम्स. फर्स्ट मैं रैंडमली जाने वाली हूँ, नथिंग इन ऑर्डर. तो सबसे पहले है, आई लव थाईलैंड के बैग्स, मतलब इनके सारे जो ऐसे पॉलिथिन बैग्स भी आते नहीं, इतने क्यूट होते हैं और इतने अच्छे लगते हैं ना.
काफ़ी सारे बैग्स में एलिफेंट और थाईलैंड बना हुआ है. सो ये मैंने लिया है मॉल के सामने, एक मार्केट लगी हुई थी. द मॉल वॉज सेंट्रल वर्ल्ड और आई डोंट नो, हम फर्स्ट डे नहीं ये पतिया में था. सो हम सबसे पहले पतिया में गए थे. पतिया में एक मॉल है टर्मिनल 21. बैंकॉक में भी आपको टर्मिनल 21 मिलेगा, लेकिन हमने पतिया से लिया है. टर्मिनल 21 के बाहर एक फ्लिया मार्केट लगती है. हम मॉल में गए थे, मॉल में दो तीन चीज़ें एक्सप्लोर करी. अगेन H&M ज़ारा, कोई फ़र्क नहीं था. इनफैक्ट इंडिया का H&M इज चीपर, इंडिया का ज़ारा इज चीपर, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप INR का 2.5 टाइम्स वहाँ पे दोगे तो वो तो एक्सपेंसिव ही हो जाएगा. तो मैंने वो सब नहीं लिया, मैंने स्ट्रीट शॉपिंग करी है इस बार. हम वो मॉल मॉर्निंग में गए थे एंड सुबह सुबह ही वहाँ पे ऑपोजिट साइड क्योस्क लगे थे. जैसे हमारे यहाँ पैसिफिक मॉल वगैरह के बाहर ऐसे क्योस्क लगते ना छोटे छोटे, वैसे ही उस मॉल के बाहर भी ऐसे लगे हुए थे. सो वहाँ पर मुझे एक कॉट सेट दिखा, शी गिव इट टू मी फॉर 200 बात एंड आई थिंक इट्स वर्दी, बिकॉज 200 बात के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी. ये एकदम बीची आउटफिट वाला है, ये मैं यहाँ पर नहीं पहन सकती, दिस इज जस्ट फॉर ट्रिप. सो सबसे पहले ये टॉप है विच इज़ लाइक ऑफ शोल्डर टॉप, और मुझे अच्छा लगा कि इसका जो ये कनेक्शन भी है ना, लाइक दिस थिंग इट इज़ प्रॉपरली स्टिच. जो इंडिया में मिलते हैं ना वैसे थ्रेड थ्रेड वाले मिलते हैं, वो अच्छे स्टर्डी नहीं लगते मुझे. इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड इट्स लाइक अ ट्यूब टॉप. आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो. एंड देन वी हैव द शॉर्ट्स. शॉर्ट्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इट्स नॉट दैट ट्रांजी पतले वाला एंड हैज पॉकेट्स, और पॉकेट्स भी मतलब फुल लाइनिंग वाली अच्छी क्वालिटी की जो पॉकेट्स होती है ना वैसी हैं. इट्स लाइक अ शॉर्ट्स लेकिन दूर से एक स्कर्ट वाली लुक दे रहा है. सो ये मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा. सो जहाँ से मैंने एक कॉट सेट लिया था उसके जस्ट साइड में एक और स्टॉल लगा हुआ था ज्वेलरी का, और वहाँ पर बहुत सी ज्वेलरी मिल रही थी. सबसे पहले वहाँ पे इयर रिंग्स मिल रहे थे, 100 भात में 3 इयर रिंग्स मिल रहे थे, विच आई फाइंड रियली मतलब नाइस कि 100 भात के हिसाब से 3 इयर रिंग्स. तो मैंने वहाँ से 3 इयर रिंग्स पिकअप करे एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी. मतलब जब इसको मैं INR में कन्वर्ट करती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ ये वर्थ है लेना. सो अगर आप बैंकॉक, पतिया या फिर थाईलैंड में कहीं भी जाओ ना, ज्वेलरी ज़रूर लो, बिकॉज वहाँ पे जो ये लोकल ऐसे वाली फैंसी, नॉट द रियल ज्वेलरी, ऐसी वाली फैंसी ज्वेलरीज मैं बोल रही हूँ, इसका जो प्राइस है ना वो काफ़ी अच्छा है. ये चीज़ें आपको इंडिया में इतने अच्छे रेट पर नहीं मिलेगी. लाइक लुक एट इयरिंग, कैन यू सी द कट, इसके ऊपर जो हुप्स का कट वर्क है वो कितना प्रिटी है. आई होप माई कैमरा इज फोकसिंग. बाय द वे दीज आर माई क्रिसमस नेल्स जो इस बार मैं करा के गई थी, जो हर बार मैं अपने ट्रिप पे कराती हूँ. इस बार क्रिसमस था तो मैंने एकदम क्रिसमस थीम वाले कराए थे. अब तो मैंने चॉप ऑफ कर दिया, मैंने आते ही काट लिए थे, बिकॉज मैं ज़्यादा लॉन्ग लेंस में घर का काम नहीं कर सकती. सो मैंने आते ही सबसे पहले नेल्स कट कर लिए थे. बट या दिस इज़ द इयर रिंग. सो सबसे पहले मैंने ये वाला इयर रिंग लिया है जो काफ़ी प्रिटी लग रहा है. दैट हुप वाला पैटर्न और इस वैसे कट कट डायमंड जैसी एक लुक आ रही है. दिस इज़ नंबर वन. सेकेंड वन इज़ दिस, जो फैंसी पार्टी ड्रेसेस के साथ काफ़ी अच्छे लगेंगे. इट्स लाइक अ रिवर्स यू शेप, ऐसा एक शेप आ रही है ऐसे पर्ल, और नीचे भी यहाँ पे ऐसे कट डायमंड टाइप लगा हुआ है. और जो मैंने तीसरे लिए थे वो थोड़े से मैंने लाइट लिए थे, बिकॉज इस बार मैं इयर रिंग्स कैरी करना भूल गई थी छोटे वाले. मैंने कोई हुप्स जैसे मैंने अमेजोन वाले पहने ना, ऐसे वाले हुप्स मैं सारे कैरी करना भूल गई. सो मैंने एक छोटे से हुप्स भी लिए थे, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी. तो इसी ज्वेलरी के स्टॉल पे पेंडेंट्स भी मिल रहे थे. द पेंडेंट फॉर 200 भात, लेकिन 200 भात के हिसाब से मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी. सो मैंने एक पिकअप कर लिया था. सो कुछ इस तरह के बॉक्स उन्होंने दिया, इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी ऐसे बो टाइप का बॉक्स. ये गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है. अगर आप थाईलैंड से गिफ्ट लाना चाहते हो तो ज्वेलरीज लाना सबसे बेस्ट है, बिकॉज कपड़ों का साइज देखो हमें सबका नहीं पता होता, तो किसी को कपड़े देने से अच्छा ऐसी ज्वेलरीज दे दो. दिस इज लाइक जेनरिक और सबको पसंद भी आती हैं. सो ऐसे बॉक्स टाइप में आई है एंड दिस इज द पेंडेंट. ओ निकल गया. ओ इट इज़ लाइक दिस, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था. सो ये कुछ इस तरह से दिखता है. इट्स लाइक स्टार जैसी शेप है, और अंदर जो इसमें स्टोन लगा हुआ है ना वो फ्लिकर कर रहा है. आई डोंट नो माई कैमरा कैन फोकस और नॉट, बट आप देख सकते हो ये पूरे टाइम ऐसे फ्लिकर करता रहता है. सो जो आप इसको पहनोगे ना, इट विल बी फ्लिकरिंग ऑल द टाइम एंड आई रियली लाइक इट. इसका मुझे बहुत अच्छा वर्क लगा. ये जो अंदर स्टोन लगा हुआ है काफ़ी अच्छा है. चेन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. सो 200 भात के हिसाब से मुझे अच्छा लगा. बट इसके बाद जब हम वाले मॉल्स गए ना बैंकॉक, ये तो पतिया से हमने लिया है. बैंकॉक जहाँ पे सारे प्लैटिनम पलाडियम मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, वहाँ पर ज्वेलरी और सस्ती थी. सो आई वुड से थोड़ा सा वेट करो वहाँ की ज्वेलरी लेना, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छी सस्ती रेट पे मिलती है. सो पतिया में हमने कोरल आइलैंड का ट्रिप लिया था जो स्पीड बोट से जाते हैं. सो कोरल आइलैंड पे वो पूरा पैकेज लेते हैं जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. सो मैंने ये वाली एक्टिविटी करी थी, और वो ना रैंडमली आपकी फ़ोटोज़ खींच लेते हैं. लाइक आपको बताएंगे नहीं कि हम फ्रेम कराने के लिए खींच रहे हैं, वैसे आपकी फ़ोटोज़ खींच लेते हैं. एंड देन जो आपका वो पूरा ट्रिप ओवर हो जाता है ना, वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि हमने आपकी फ़ोटोज़ फ्रेम कराई हैं. एंड फिर उसको लगता है कि यार ये तो मेमोरी है तो लेनी चाहिए. सो मैं भी उस ट्रैप में फॉल हो गई, मैंने ये खरीद लिया. ये उन्होंने मुझे 100 भात का दिया था. थोड़ा सा फोटो बॉम हो गया, पीछे एक अंकल आ गया, बट आई रियली लाइक दिस पिक्चर स्पीड बोट वाली. जो मैंने स्पीड बोट नहीं है क्या थी, दिस वॉज
जेट स्की वाला किया था मैंने. नाउ कमिंग टू माई फेवरेट स्टोर ऑफ थाईलैंड, लाइक एंटायर ट्रिप में से एक जगह जो मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगी अगर आप पत्तिया जा रहे हो स्पेसिफिकली, बिकॉज ये मुझे पत्तिया में दिखी थी, मुझे बैंकॉक में कहीं नहीं दिखी. दिस इज द 100 भात स्टोर. इसकी मैंने स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली है. जस्ट इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, गो चेक माई थाईलैंड हाईलाइट. मैंने वहाँ पर भी पूरी स्टोरी डाली थी. हम गए थे एक दिन पहले, जिस दिन हमने होटल में चेक इन किया था, हम वहाँ वॉक कर रहे थे. हमारा होटल पुलमिन था, पुलमिन के जस्ट सेम उसी लेन में ना ये वाला स्टोर था. तो मैं ऐसे ही अंदर गई, मैंने दो तीन चीज़ें देखी. आई वॉज लाइक काफ़ी अच्छे रेट पर है. सो उस टाइम मैंने नहीं ली. नेक्स्ट डे जो हम पतिया से निकलने वाले थे, आई वॉज लाइक आई हैव टू गो देयर बिकॉज मुझे इनके प्राइजेस काफ़ी अच्छे लगे. एंड मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वेंट क्रेजी. मतलब हमने कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगाए हैं स्टोर पर, बिकॉज हमें इतना मज़ा आ रहा था. सो यहाँ पर इनका कंसेप्ट है एवरी थिंग फॉर 100 भात और लेस देन दैट, बिकॉज सब चीज़ सस्ती थी. सो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी 2 for 200 ऐसे कुछ था. तो मैंने बहुत सारा सामान पिकअप किया है. सो ये सबसे क्यूटेस्ट सेक्शन होने वाला है. सो सबसे पहले जो मुझे दिखी ये किट्स, ये बच्चों की है बाय द वे. आई हैव लॉट ऑफ किड्स इन माई फैमिली, तो मैं बच्चों को देने वाली हूँ. मुझे बहुत क्यूट लगे. एंड दिस समथिंग जो मैंने इंडिया में नहीं देखी. मैंने स्पेसिफिकली वही चीज़ें ली हैं जो मैंने इंडिया में नहीं देखी, ताकि एक चार्म रहे कि हम बाहर से लेके आए हैं. सो ऐसे ना संदूक जैसा है, लाइक अ ट्रेजर बॉक्स यू कैन से. और इसकी चाबी यहाँ पर है, इसके साइड में यहाँ पे की आई है. आई थिंक ये की से जब इसको खोलेंगे, यहाँ पे साइड में लॉक दिया हुआ है, सो यू कैन ओपन इट. और इसके अंदर काफ़ी सारा ना गर्ली गर्ली सामान है. मैं नहीं खोल रही अभी, बिकॉज जिसको गिफ्ट देना है उसका चार्म होना चाहिए, वो खुद अपने आप खोलेंगे. सो इट हैज़ लाइक स्टिकर, जिसके अंदर एक क्लचर है, एक कोम है, एक मिरर है. काफ़ी मुझे क्यूट लगी. और वहाँ पर नेल्स मिल रहे थे 100 के 3 100 भात के 3 नेल्स. 100 भात इज इक्वलन टू 250 रुपये, यू कैन से लाइक 245 रुपीज़ इन INR. मैं सबके यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आपको कन्वर्जन समझ आ जाएगी. सो हमने 3 नेल्स पिकअप करे. एक मेरी फ्रेंड ने ले लिया, 2 मैंने अपने लिए रखे. हमने ऐसे डिवाइड कर लिया था कि एक तू ले लियो, 2 मैं ले लूँगी, एक तू ले लियो, एक मैं ले लूँगी, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ना कॉम्बो डील्स में मिल रही थी. सो ये 2 नेल्स मैंने पिकअप करे हैं. ये एक बेसिक से न्यूड कलर के नेल्स हैं, और ये काफ़ी प्रिटी से ओम्ब्रे इफेक्ट के नेल्स हैं. कॉफिन शेप, आई डोंट नो, ये कॉफिन शेप इसको बोलते हैं. सो इसके ऊपर लिखा वैसे 40 भात है, लेकिन हमें ये 100 के 3 मिले हैं. एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद जब हम बड़े बड़े मॉल्स में भी गए ना, वहाँ पर ये सेम नेल्स, ये सेम ब्रांडिंग वाले, ये हमें मिल रहे थे अराउंड 200 भात के 150 भात के. सो ये 100 भात जो स्टोर है ना पत्तिया में, प्लीज़ यहाँ पर जाना, आपको काफ़ी सस्ती डील्स मिलने वाली है. आई पिक्ड अप दिस लैश कर्लर, जो मैंने बहुत पहले किसकी शेरी श्रॉफ की वीडियो में देखा था. मुझे काफ़ी यूनिक लगा था, एंड तब से आई वाज लाइक ये मुझे कहीं दिखेगा ना, मैं इसको लूँगी. बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम पे ना बड़े वाला लैश कर्लर नहीं रख सकते. सो मुझे यहाँ पे दिखा, एंड आई वाज लाइक आई हैव टू पिक इट अप. सो मैं दिखाती हूँ कैसे वर्क करता है. सो ये कुछ दिखता है इस तरह से, छोटा सा क्यूट सा डिवाइस है. आपको सबसे पहले इसको बाहर निकालना होता है. ये ऐसे स्टैंड जैसा खुल जाता है, एंड देन ऐसे हो गया, एंड देन यू कैन जस्ट यूज इट लाइक दिस. सो यहाँ पर आप अपनी ऑब्वियसली लैशेस ऐसे फिक्स करोगे, एंड देन यू कैन यूज इट लाइक दिस. अभी मैं नहीं यूज़ कर रही बिकॉज रिस्की है, पहले मिरर में देखूंगी फिर यूज़ करूंगी. सो यहाँ पे इन्होंने वो टिप भी दी हुई है, जो रबर टिप होती है ना, जिससे काफ़ी ईजी हो जाता है यूज़ करना, इन्होंने वो भी दी हुई है. सो कुछ इस तरह से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है. एंड इसको जब आप वापस ऐसे ऊपर की तरफ कर दोगे, ये ऐसे क्लिप हो जाएगा, एंड या यू कैन ट्रैवल विद इट एज वेल. सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए. दिस वॉज फॉर 39 भात एग्जैक्टली. सो यहाँ पर हमारा काफ़ी सॉलिड बिल बना था. मतलब हमने छोटी छोटी चीज़ इतनी सारी ले ली कि हमारा बिल इतना बन गया. पेंट्स का मुझे ऑफर याद नहीं आ रहा. दिस वॉज ऑन बाय वन गेट वन, लाइक दिस वन इज फॉर हाउ मच भात, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट आई थिंक ये 40 भात की थी और ये बाय वन गेट वन पे थी. सो मुझे 40 भात में ये 2 नेल पेंट्स मिल गई. मैंने सारी न्यूड फैमिली वाली ली है. इसमें एक न्यूडिश कलर है विद अ ग्लिटरी गोल्डन शैम्पेन गोल्ड कलर, यू कैन से एक ये वाला शेड लिया है, और एक मैंने ये वाला शेड लिया विच लाइक अ वाइनिश, और एक थोड़ा डार्क न्यूड वाला शेड है. मैंने 2 शेड पिकअप करे हैं. नेक्स्ट वी हैव बिगर नेल पेंट्स. ये आई थिंक 100 की 2 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लाइक 100 भात में अगर कुछ भी बोलूँ तो आप समझ जाना कि ये भात में है, नॉट इन INR. सो मैंने 2 नेल पेंट्स पिकअप करे. इसके ऊपर लिखा तो जेल हुआ है, बट आई ट्राई. अभी तो मेरे नेल्स हुए हैं तो मैं इस पर नहीं ट्राई कर सकती, बट जब मैं एक्चुअल नेल्स पर ट्राई करूँगी आई माइट गिव यू अ मिनी रिव्यू. बट मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्वान्टिटी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी. और ये क्लेम भी कर रही है कि जेल नेल पॉलिश है, सो आई होप ये काफ़ी जेल वाली फिनिश देगी. और मैंने एकदम फंकी वाले कलर्स दिए हैं, जो एकदम बीची वाले कलर होते हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट उनका एक पूरा मेकअप का सेक्शन था, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स थे और सब पे अलग अलग ऑफर्स थे. सो एक पूरी लाइन थी जिसमें आप 3 प्रोडक्ट्स उठा सकते हो फॉर 100 भात. सो मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स लिए हैं फॉर 100 भात ओनली. सबसे पहले मैंने ये लिपस्टिक लिया है विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड किस ब्यूटी. ये जो किस ब्यूटी ब्रांड है ना, ये मैंने इंडिया में भी देखी है काफ़ी लोकल स्टोर्स पे, तो मुझे पता है ये काइंड ऑफ ओके ब्रांड है, और मुझे इसका शेड काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो कभी कभी ऐसी वाली ब्रांड्स भी ट्राई करनी चाहिए. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. मुझे डील के हिसाब से
से बड़ी सही लगी. इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी ब्राइट सा एकदम चटक लाल शेड जो आजकल मुझे लगाना काफ़ी पसंद है बिकॉज आई एम मैरिड एंड आई लाइक सच चटक वाले शेड. बट इट्स नॉट दैट ऑन फेस वाला ब्लड रेड, इट्स मोर लाइक अ वॉर्म ब्राउन सॉर्ट ऑफ रेड होता है ना. पता नहीं मेरे कैमरा पे डिफरेंट क्यों आ रहा है बट इट इज़ मोर ऑन द वॉर्म. I hate such bikes. But it is more on the warmish side. मैंने ये पिकअप किया है. This is color geometry broken hair finishing stick. ये मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी. So basically क्या है, it's more like a mascara. मतलब packaging mascara जैसी है लेकिन ये जो gel होता है ना इससे आपकी जो frizziness होती है ना वो tame down कर सकते हो. Like अभी आपको दिख रहे होंगे मेरे यहाँ पे frizzy बाल हैं. So ये कुछ दिखती है इस तरह से. It comes in a mascara sort of packaging. और अंदर इसमें ऐसे जेल जेल जैसा है. सो आप इस जेल को यूज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट टेम डाउन योर हेयर. ये स्पेसिफिकली बहुत काम आएगी जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हो. लाइक आपने कोई टाइट बन बनाया ना, आपको थोड़े से बाल आपके टेम डाउन चाहिए. मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही बिकॉज मुझे इसका रिव्यू प्रॉपर बनाना है. आई थिंक मैं इंस्टाग्राम रील्स पे इनके शॉर्ट रिव्यूज़ करने वाली हूँ. बट कैन यू सी द डिफरेंस, ये कितने अच्छे से टेम डाउन हो गए. सो इसके अंदर कुछ जेल जैसा है जिसकी वजह से आपके बाल एकदम ऐसे जो फ्रिजीनेस होती है वो चली जाती है. सो ये मुझे काफ़ी सही लगा. थर्ड आइटम जो मैंने पिकअप किया, इसकी स्टोरी मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी. आई फाइंड इट रियली रियली कूल. मैंने काफ़ी सारी वो चाइनीज वीडियोज़ आती है ना रैंडमली, आपको पहले टिकटॉक पे दिखती थी, रील्स पे दिखती थी, ये बिल्कुल वैसे वाला प्रोडक्ट है. सो इसकी पैकेजिंग है कुछ इस तरह से एंड इट्स लाइक अ स्टिक. इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड ला मेला. आई डोंट नो ये कौन सी ब्रांड है बट ये कुछ ऐसे दिखती है. एंड वंस यू ओपन द कैप दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और यहाँ पे आपको ऐसे शटर मिलता है. सो शटर को जब आप ऐसे नीचे ड्रैग करोगे ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर आएगा. और यहाँ पे आपको एक ओम्ब्रे इफेक्ट दिख रहा होगा. कैन यू सी. सो इसमें एक थ्री इफेक्ट वाला था जिसमें शिमर था, लाइट पिंक कलर था और एक एकदम चटैक वाला पिंक कलर था. वो मुझे बड़ा चटैक लगा, मैंने वो नहीं लिया. सो मैंने ये वाला स्टिक लिया है. इसके अंदर हाफ गोल्डन कलर है और एक हाफ डार्क ब्राउनिश कलर है. सो बेसिकली क्या है, ये आई शेडो स्टिक्स है. आप इसको डायरेक्टली जब ऐसे अप्लाई करोगे एक ट्रांजिशन पूरा बन के आएगा. नीचे डार्क कलर आएगा, ऊपर लाइट कलर आएगा. सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लगाया और ब्लेंड कर लिया. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको अभी भी ट्रांजिशन एक दिख रहा होगा. यहाँ पे आपको एक डार्क शेड दिख रहा होगा, इधर एक लाइट शेड. सो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्वाइप इट अप एंड हल्का सा डैप डैप कर लो एंड यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट अप इज समथिंग दैट माय फ्रेंड स्पॉटेड. और जैसे ही उसने स्वॉच करी ना, आई वाज लाइक, मतलब दोनों ने बोला वाओ कितनी अच्छी लग रही है. सो हमने पिकअप कर लिया. एक उसने लिया है, दो मैंने लिया. एक मैंने गिफ्टिंग के लिए लिया, एक अपने लिए लिया है. सो इट्स लाइक अ बॉडी शिमर जो पूरा ऐसे ब्रश टाइप में आता है. आई थिंक मैंने ऑरिफ्लेम या फिर किसी ब्रांड में बहुत पहले देखा था बट ये काफ़ी सही डील पे मिल गया. आई थिंक 150 में हमें तीन मिले हैं. आई एम नॉट रियली श्योर, मैं यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगी. सो जस्ट ओपन द लिड, हल्का सा टैप करो एंड ब्रश को ऐसे डायरेक्टली ब्रश ऑफ कर लो. दिस इज नॉट फॉर फेस बिकॉज इसमें ऐसे चंकी वाले हल्के हल्के ग्लिटर दिखते हैं. दिस इज फॉर बॉडी. आप इसको ऐसे बॉडी पे कहीं पर भी लगा लो, लाइक यहाँ पे हाई पॉइंट्स पे लगा लिया, बैक पर लगा लिया. काफी अच्छा शिमरी शिमरी इफेक्ट देता है. अगर आपको थोड़ा सा फेस पे लगाना है तो भी आप लगा सकते हो बिकॉज में लिखा है शेडो ब्लश शेक पाउडर. सो ऐसा कुछ नहीं है खाली बॉडी के लिए. मैंने इसको खाली बॉडी के लिए लिया है, नॉट फॉर फेस. नेक्स्ट वी हैव अ परफ्यूम. सो वहां पर ना जितने भी हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं उनकी कॉपीज मिल रही थी और मुझे बड़ी मस्त लगी. आई वाज लाइक 50 बात में 100 बात में बड़ी मस्त मस्त परफ्यूम मिल रहे हैं. इनफैक्ट एक 100 for 3 की डील थी जिसमें तीन परफ्यूम्स मिल रहे थे. मैंने वो वाले परफ्यूम नहीं लिए, मैंने एक ये वाला पिकअप किया जो आई थिंक दिस फॉर 100 baht. और उसके ऊपर स्पेसिफिकली कोई ऐसे ब्रांडिंग नहीं लिखी हुई तो मुझे सही लगा. सो दिस हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी डायमंड कट जैसी बॉटल एंड वंस यू ओपन इट ये कुछ ऐसे खुलती है. एंड यार इसकी बड़ी प्यारी खुशबू है, आई रियली लाइक्ड इट. सो ये लॉन्ग लास्टिंग तो डेफिनेटली नहीं है बिकॉज वहाँ पर जब हमने ट्राई किए थे, हमने वापस होटल में जब हम आए हमने 2-3 घंटे बाद देखा खुशबू इतनी नहीं थी. तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाले नहीं है. बट यार कभी कभी कहीं जाना हो तो आप लगा सकते हो, लाइक शॉर्ट टर्म के लिए कहीं जाना है बिकॉज मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगी. मतलब जैसे ही मैंने स्निफ किया वैसे ही अच्छा लग रहा है यार. सो इसको स्किन पर तो नहीं लगाऊंगी मैं बट आई कैन यूज इट ऑन माई बॉडी. ऑल द थिंग्स दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम 100 baht स्टोर. बाय द वे आई कैन रीड कि ये बैंकॉक में भी है. पतिया में तो मैं गई थी, पतिया वाला स्टोर ही था जहाँ से मैंने पिकअप किया. बट ये सामुई में भी है, खराबी में भी है. सो इन चारों जगहों पे अगर आप जाते हो प्लीज ये वाले स्टोर जरूर जाना. यू विल फाइंड क्रेजी थिंग्स. और यहाँ पे जो आपको प्राइजेस मिल रहे थे ना, यहाँ पे सोवेनियर्स भी थे, यहाँ पे डायरीज बैग सब कुछ था. आप कुछ भी गिफ्टिंग के लिए भी ले सकते हो. सो डेफिनेटली पिक इट अप बिकॉज ऐसे प्राइजेस में बाहर मैंने देखा डबल रेट पे मिल रहा था. सो या डेफिनेटली चेक इट आउट. दिस इज वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड दैट यू हैव टू विजिट एंड ट्राई. सो वी आर डन विथ पतिया वाली शॉपिंग. नाउ मूविंग ऑन टू बैंकॉक. पतिया के बाद हम गए थे वापस बैंकॉक बिकॉज एयरपोर्ट जो है वो बैंकॉक के पास है. तो अगर आप कभी भी अपनी थाईलैंड की आइटनरी बनाओ ना, हमेशा जो अपना लास्ट डेस्टिनेशन है वो बैंकॉक ही रखना बिकॉज जो जिस दिन आपकी फ्लाइट होती है थोड़ा सा आपको आसपास ही रहना चाहिए. आप रिस्क फैक्टर नहीं कंसिडर कर सकते. सो हम पतिया के बाद वापस बैंकॉक ही गए थे. वहाँ से एयरपोर्ट भी पास पड़ता है. सो बैंकॉक में हमने स्टे किया था सुखुमविट में हॉलीडे इन. सो हमने वहाँ से सारा कैब फेरी जितनी भी टुक टुक चलती हमने वो पिकअप करी थी. सो एक दिन हमने
रखा था शॉपिंग के लिए, बिकॉज ऑल गर्ल्स ट्रिप शॉपिंग पर तो जाएंगी जाएंगी, एंड बैंकॉक इज द हब ऑफ शॉपिंग. मतलब एक तो हम गए भी क्रिसमस के टाइम पे थे, वहाँ पे एकदम क्रिसमस वाली वाइब्स थी. सेंट्रल मॉल, पलाडियम, प्लैटिनम सारे आसपास ही हैं, ज़्यादा आपको चलना नहीं पड़ता, सारे मॉल जो है वो नियर बाई में ही है. इनफैक्ट उन्होंने सारे मॉल्स ऊपर से कनेक्ट करे हुए हैं, आपको रोड क्रॉस ऊपर से जो आप करोगे ना आप नेक्स्ट मॉल में पहुँच जाओगे. बट उससे पहले जैसे ही जिस दिन हम बैंकॉक गए थे, हमारा टेम्पल टूर था, हमारी गाइड ने बताया कि बैंकॉक में एक फेमस मार्केट लगती है चाटू चाक मार्केट, जो खाली दो दिन लगती है, सैटरडे संडे. ये वीकेंड मार्केट ही है, ये पूरा टाइम नहीं लगती. और उस दिन आई थिंक संडे था, यस उस दिन संडे था, और 6 बजे मार्केट बंद हो जाती है. सो वहाँ की मार्केट के थोड़े से अजीब रूल्स हैं, वहाँ पे 4 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 6 बजे बंद हो जाती है. सो हम पहुँचे थे अराउंड 4 o'clock. हम पूरा लिटरली अपना टूर टेम्पल वाला कंप्लीट करके हम भागे, हमने कैब ली, 4 बजे के अराउंड हम पहुंच गए थे. एंड चाटू चाक मार्केट इज़ एशियाज बिगेस्ट मार्केट, मतलब वहाँ पे 15,000 स्टॉल लगते हैं, 2 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे विजिट करते हैं. सो काफ़ी बड़ी मार्केट थी एंड इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग. लाइक फर्स्ट टाइम किसी मार्केट में जाते हो ना, आप इसे शॉक हो जाते हो कि यार कितना सारा सामान मिल रहा है, थोड़ा दिमाग वैसे घूम जाता है. सो यार आई थिंक 2 दिन चाहिए वो मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी है. बट संडे था, उसके बाद जब नेक्स्ट वीक लगनी थी, हम तो वहाँ पे थे ही नहीं, हम वापस इंडिया आने वाले थे. सो मैंने ज़्यादा नहीं शॉपिंग करी. द बिगेस्ट कॉन ऑफ थाईलैंड शॉपिंग इज़ साइज़. मैं तो फिर भी पतली हूँ, लेकिन मुझे ब्लोटिंग का इशू है, तो जितनी भी शॉर्ट्स और जितनी भी पैंट्स थी वहाँ की, वो मुझे फिट नहीं आ रही थी, बिकॉज वो ब्लोटिंग वाले पेट पे एकदम फिट नहीं आती. सो अगर आप बहुत पतले हो, कंग्रेचुलेशंस, आपको थाईलैंड में अमेजिंग कपड़े मिलने वाले हैं. लेकिन आप थोड़े से भी हेल्दी हो, मोटे हो, तो लिटरली वो आपको ऑन फेस बोल देंगे यू आर एक्सेल, वी डोंट हैव योर साइज, नो हैव योर साइज, बिकॉज वहाँ पर पतली पतली लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, ज़्यादा हेल्दी लड़कियों के कपड़े नहीं मिलते वहाँ पर. वो ऐसे लिखते भी हैं प्लस साइज़ कपड़े, वहाँ के प्लस साइज़ कपड़े भी आप देखोगे ना, वो मुझे फिट आते हैं. सो या तो अगर आप थोड़े से हेल्दी हो, चबी चबी हो, आई थिंक आपको ज़्यादा कपड़े नहीं मिलने वाले. बट हमने एक दो जेम्स ढूंढ निकाले. मैंने वहाँ पर टॉप नहीं लिए, बिकॉज सारे टॉप जो थे ना, मुझे वो इंडिया वाले सरोजनी रजौरी वाले लग रहे थे. लाइक वहाँ पे जो टॉप मिल रहे थे क्रॉप टॉप, वो थे 100 baht के, 200 baht के. एंड इफ आई कन्वर्ट टू INR, मुझे फिर वो महंगे लगे कि यार सरोजनी वाले कपड़े इतने महंगे पे क्यों लेने. तो मैंने क्रॉप टॉप एंड ऑल नहीं लिए. बट एक स्टॉल पे रैंडमली ना हमें जीन्स दिखी, सो दिस वॉज फॉर 250 baht इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी चेक माई नोट्स, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैंने आते ही डेली जो जो लिया ना मैंने नोट्स बनाए थे. So yeah, this jeans is for 200 baht, and oh my god, this fits me like a dream. मैं आपको एक हैक बताने वाली हूँ. जब भी आप स्ट्रीट शॉपिंग करोगे, आपको जीन्स ट्राई करने का तो मौका मिलेगा ही नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ आप कैसे अपना एग्जैक्ट साइज निकाल सकते हो. सो कुछ नहीं करना, बटन को पूरा अच्छे से क्लोज करना है. यू जस्ट हैव टू टेक योर एल्बोज लाइक दिस. ये बेसिकली ये जो पूरा लेंथ होती है ना, ये आपकी वेस्ट की मेजरमेंट से एकदम सेम होती है. लाइक अगर आपको ये चीज़ प्रॉपर ऐसे फिट आ गई, तो आपको वेस्ट पे भी आ जाएगी. सो यू कैन सी, मैंने वहाँ पे ऐसे मेजर करके देखा, ये एकदम मुझे फिट आ रही थी, ना लूज है ना ज़्यादा टाइट है, और बिल्कुल ये मुझे वैसी ही आई है. एंड दिस जीन्स फिट मी लाइक अ ड्रीम. ये मॉम जीन्स आप बोल सकते हो, बिकॉज पूरी ऐसे स्ट्रेट लूज में जाती है. एंड इतना प्यारा फिट, इसका बम फिट इतना अच्छा है, इसका स्ट्रेच इतना अच्छा है, लाइक इट्स लाइक फुल स्ट्रेच वाली जीन्स. और ये कोई स्ट्रीट शॉपिंग से लिया, तो इसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ, इसमें कोई एज सच कोई ब्रांड का टैग नहीं लगा हुआ. मेरी फ्रेंड ने भी इसी स्टॉल से जीन्स ली थी, उसको भी इतनी अच्छी फिट आई है. मतलब आई थिंक लाइफ में मेरे को ज़ारा H&M का इतना अच्छा फिट नहीं आया जितना इस जीन्स का आया था. नेक्स्ट अप, आई पिक्ड अप दीस कॉर्डरॉय पजामा, यू कैन से, जो दिखता है कुछ इस तरह जीन्स भी है अर्बैनिक की. सो मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने उसका एक पजामा सॉर्ट ऑफ लिया है. ये इलास्टिकेटेड है, वी हैव पॉकेट्स हेयर. ये मैंने स्पेसिफिकली लिया है लाइक वॉक पर जाना हो, ग्रोसरीज लेने जाना हो, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसकी मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, इट्स लाइक अ नाइस कॉर्डरॉय मटेरियल, हल्के से वॉर्म वॉर्म वेदर में मैं इसको कैरी कर सकती हूँ. एंड दिस वन वॉज फॉर 250. मैंने बड़ा बार्गेन करने की कोशिश करी कि 200 कर दो, 150 कर दो, बट दे डोंट बार्गेन. मतलब जिसने भी वो वीडियोज़ बनाई थी ना कि थाईलैंड में बड़ी बार्गेनिंग चलती है, ऐसा कुछ नहीं. इनफैक्ट वो इंडियंस को देख के तो पहले मना ही कर देते हैं कि नहीं लेना तो मत लो, नो हैव गो. वो सी लिटरली आपको मना कर देते हैं कि नहीं लेना तो मत लो, बट दे डोंट बार्गेन अ लॉट. सो वो नहीं मानी है, मैंने फिर 250 में ली, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी. सो यार जो चीज़ क्वालिटी में अच्छी लग रही है वो तो डेफिनेटली मैंने पिकअप करी है. दिस इज अ रिचुअल नाउ, जिस भी कंट्री में जाना है, जहाँ भी जाना है, वहाँ से एक फ्रिज मैगनेट तो लेना ही है. तो मैंने थाईलैंड वाला फ्रिज मैगनेट लिया है. मैं वहाँ पे पत्ते आगे भी ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिले नहीं, तो मैंने सिंगल थाईलैंड वाला ले लिया. वहाँ पे लास्ट में जब बिल्कुल चाटू चाक मार्केट पूरी एक एंड पे खत्म हो गई थी ना, वहाँ पे एक स्टॉल था, उन्होंने ऐसे बोर्ड्स लगाए थे, मैं यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर दूंगी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो. जितने भी लग्जरी परफ्यूम थे ना, उसकी एग्जैक्ट स्मेल वाली कॉपीज उन्होंने ऐसे रखी हुई थी बॉटल में. एंड द डील वॉज 100 for 3, तो आप कोई भी उनमें से 3 उठा सकते हो 100 baht के. सो मैंने 3 पिकअप करे हैं.
उसके ऊपर लिखा भी है लाइक दिस वन इज जो मलोन. सबसे पहला जो मैंने लिया है वो जो मलोन की है, जो मलोन इंग्लिश. देन वी हैव गुची फ्लोरा, बिकॉज मेरा बड़ा मन था गुची फ्लोरा ट्राई करने का, सो दिस वन इज गुची फ्लोरा. देन नेक्स्ट अप इज टॉम फोर्ड. सो जितने भी लग्जरी परफ्यूम है ना, ये उनकी एग्जैक्ट स्मेल वाली कॉपी है. और एक हमने नेक्स्ट डे लगाई थी, हमें टेस्ट करना था कि एक्चुअल में ये लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है. एंड सैडली लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. मतलब नेक्स्ट डे हम ऐसे बोल रहे थे कि यार शिट यार ये तो मतलब हमारा लॉल हो गया. हमें लगा लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, बट यार देखो कॉपी है तो कॉपी है. सो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. जब इसको लगाओगे ना लाइक आफ्टर 2-3 आवर्स, जैसे बॉडी मिस्ट होता है ना, 2-3 घंटे बाद वॉश ऑफ हो जाता है, नहीं पता चलता. इसका भी वही वाला सीन है. 1-2 घंटे आपको बहुत सी खुशबू आने वाली है, लेकिन उसके बाद ये उड़ जाएगा. बट आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट लाइक 33 रुपये का एक आप लगा, नॉट रुपये, 33 भात का एक, मतलब 100 भात आप लगा लो, 250 में मुझे ऐसे 3 मिल गए. नेक्स्ट डे हम गए थे मॉल शॉपिंग के लिए. सो वहाँ पर काफ़ी सारे मॉल्स हैं, प्लैटिनम मॉल, पलाडियम मॉल, इंदिरा मार्केट. तो हम सबसे पहले गए थे प्लैटिनम मॉल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या प्लैटिनम मॉल था वहाँ पे. एंड वहाँ पे बहुत अच्छा एक ज्वेलरी का स्टोर था. एज आई टोल्ड यू, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो आई वुड से कपड़े मत लो, बिकॉज कपड़े आपको सेम ऐसे सॉर्ट ऑफ सरोजनी रजौरी में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ की जो ज्वेलरी है वो आपको इंडिया में इस रेट पे नहीं मिलने वाली. तो मैंने एक लिटरली एक शॉप से इतनी सारी ज्वेलरीज ले ली सबको गिफ्ट करने के लिए भी, बिकॉज मुझे प्राइस काफ़ी डिसेंट लगा. सो उनका एक पूरा ईयरिंग्स का सेक्शन था जिसमें आप 100 भात में 3 ईयरिंग्स पिकअप कर सकते हो. सो मैंने पेयर्स बना लिए थे. सबसे पहले ये वाला ईयरिंग लिया है 1, और ये मैंने मुझे अच्छे लगे तो मैंने इसे 2 पिकअप कर लिए, 2. और ये थर्ड वाला, ये अगेन वो चेन इफेक्ट वाला होता है ना, एवरीथिंग इज स्टेपल्ड. यार देख तो मुझे गिफ्ट करनी है तो मैं ज़्यादा खोल नहीं रही, बट इट इज़ लाइक दैट चेन थिंग, और ये ऐसे पूरी डैंगलिंग इफेक्ट में आती है. ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी मुझे लुक ओवरऑल अच्छी लगी. ऐसे चेन जा रही है और उसके ऊपर ऐसे स्टडेड वाले ऐसे डिटेलिंग बनी हुई है. देन नेक्स्ट अप आई पिक्ड अप दीज, ये मुझे अपने लिए काफ़ी अच्छा लगे, बेसिक गोल्डन वाले मुझे शूट करते वक्त काफ़ी अच्छे लगते हैं लॉन्ग में. देन वी हैव हार्ट शेप के, इसमें ऐसे हार्ट शेप के हुप्स बने हुए हैं, लाइक छोटे से हुप है और नीचे से हार्ट शेप के स्टड्स लगे हुए हैं, जो काफ़ी प्रिटी मुझे लगा. देन नेक्स्ट अप वी हैव दीज, ये भी काफ़ी डेंटी और सुंदर मुझे लगे. ये ऐसे लॉन्ग में है, सो इसमें पीछे से चेन जा रही है, ये चेन पूरी ऐसे क्रॉस हो जाएगी, इसमें कोई लॉक नहीं है, आपको चेन को सिंपली ऐसे क्रॉस करना है अपने कानों के अंदर से, और ऐसे डैंगलिंग वाले ईयरिंग्स बन जाएंगे. आई डोंट नो माई कैमरा इज फोकसिंग और नॉट, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये आई थिंक मैंने पेयर्स बना लिए थे, बिकॉज 100 के 3 थे तो मैंने ऐसे पेयर बनाए थे. दीज हुप्स एंड दीज आर वेरी हैवी, मतलब काफ़ी हैवी हुप्स हैं, आपको अमेजोन पे भी इतने हैवी और अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलेंगे इस प्राइस में. सो मैंने ये वाले पिकअप करे. देन दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस, यहाँ पे ऐसे हार्ट बना हुआ है, पर्ल, मतलब पर्ल को कट किया हुआ है हार्ट शेप में, और ऊपर ऐसे स्टड्स लगे हुए हैं, अगेन अ वेरी प्रिटी हुप स्टाइल. सो मैंने क्या किया, उसके साइड पे पेंडेंट्स मिल रहे थे 100 भात, ये थे सिंगल 100 भात के. सो ये 100 भात का पड़ा है, मुझे ये 100 भात का पड़ा है, सो इस मैंने ऐसे सेट बना दिया, गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है. सो दिस इज़ आउट आई मेड अ सेट, ये वाला ईयरिंग और ये पेंडेंट, बिकॉज इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो पेंडेंट है ना, उसमें सेम ऐसा वाला ही कटवर्क हो रखा है, और ये पर्ल्स की पूरी ऐसे माला जा रही है. सो ये पेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक मैं अपने लिए रखने वाली हूँ, 1 आई कैन जस्ट गिफ्ट एनी वन. एंड दीज आर स्टेनलेस स्टील, एंड उसने मुझे बोला था कि ये लाइक काले नहीं पड़ेंगे. इनफैक्ट दैट गर्ल न्यू हिंदी, मतलब बहुत देर से खड़ी थी, एंड ऑफकोर्स आई वॉज टॉकिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड इन हिंदी, तो उसको समझ आ गया इंडियन है. थोड़ी देर बाद वो मेरे से हिंदी में बात करने लगी कि अच्छा है अच्छा है ना, लाइक ये हिंदी बोल रही है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी स्टाफ को हिंदी आती है, तो पूरा मेरे से हिंदी में बात कर रही थी, ये देखो ये काफ़ी अच्छा है, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा. सो आई फाइंड इट रियली क्यूट. इसके अलावा मैंने ये रिंग भी लिया, अंदर रिंग्स मिल रही थी, सो ये मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सेम पिकअप करी है. यहाँ पे ऐसे स्टड्स आ रहे हैं और नीचे ऐसे चेन का पैटर्न है. आई डोंट नो इफ माई कैमरा कैन फोकस, आई डोंट नो मेरा कैमरा जितना बढ़िया फोकस क्यों नहीं कर रहा, बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. काफ़ी अच्छा यहाँ पे चेंज जैसा पैटर्न है, और ऐसे सिंगल ही जा रहा है. दिस वन कॉस्टेड फॉर 180 भात, बट शी सेड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहेंगे, ये काली नहीं पड़ेगी. और मैंने इसको तब से कॉन्स्टेंटली पहना है, बिकॉज वहाँ पे मैं ऑब्वियसली अपनी रियल ज्वेलरी तो पहन के नहीं गई थी, मैं वेकेशन पे उतार के जाती हूँ. सो मैं तब से इसको कॉन्स्टेंटली पहन रही हूँ, मैंने शार भी लिया है, मैंने इसको पहन के बॉडी लोशन हेयर मास्क सब कुछ लगाया, और अभी तक तो काली नहीं पड़ी. सो या लेट्स होप कितनी चलेगी. सो प्लैटिनम मॉल में काफ़ी सारे कपड़े भी थे, बट अगेन आई डेंट पिक इट अप, बिकॉज बहुत सारे कॉट सेट्स से, और कॉट सेट्स को जब मैं INR में कन्वर्ट कर रही थी ना, मुझे वर्थ नहीं लगे, वो सब 1500-2000 ऐसा कुछ बैठ रहा था ना, मतलब ये तो इससे बेटर प्राइस में इंडिया में भी मिलते हैं, तो मैंने वो पिकअप नहीं करे. नाउ फिर उसके बाद हम गए इंदिरा मार्केट. अगेन इंदिरा मार्केट 4 बजे क्लोज हो जाती है, वैसे काफ़ी लोग कहते हैं 3 बजे क्लोज होती है, लेकिन उस दिन 3:30 बजे तक घूमे हैं, इतनी कोई क्लोज नहीं हुई थी. सो 4 o'clock वो क्लोज हो जाती है. इंदिरा मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्केट ऑफ बैंकॉक. सो अगर आप प्लैटिनम मॉल, पलाडियम मॉल जा रहे हो ना, प्लीज़ वहाँ पे सुबह सुबह जाओ और फटाफट से इंदिरा मार्केट भागो, बिकॉज 3-4 बजे वो रैप अप हो जाती है. बट दैट इज़ लाइक अ वेरी नाइस मार्केट, वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े और हर चीज़ मिलती है.
सबसे पहले मैंने पिकअप किया ये नाइट सेट, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर माय नीस, मुझे बड़ा प्यारा लगा उसका. मुझे एग्जैक्ट साइज पता है तो मैंने उसके लिए कपड़े ले लिए, अदरवाइज मुझे सबका एग्जैक्ट साइज नहीं पता होता. सो दिस इज अ वेरी प्रिटी नाइट सेट बारबी वाला, ऑल ब्लैक, और ये 3D सॉर्ट ऑफ इसका प्रिंट है, मतलब ऐसे 3D में जा रहा है. ये मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया था, आई थिंक दिस वन कॉस्टेड फॉर 160 भात, मैंने काफ़ी बार्गेन किया उसके बाद वो 160 भात पे आई. दिस इज अ पजामा, सो ये मैंने एक सेट लिया है. उसके बाद एक स्टॉल था जहाँ पे वुलन वेयर मिल रहा था फॉर 80 भात ओनली, एंड हम कभी कभी देखते ना 80 का मिल रहा है, हमें लगता है 80 रुपये का मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है, उसको INR में कन्वर्ट करते हैं. बट उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो मैंने और मेरी फ्रेंड ने ये वाला स्वेटर लिया है जो काफ़ी सही लगा. इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी क्रॉप्ड ग्रैंडमा स्वेटर सॉर्ट ऑफ होता है ना, बट इसको आप बंद करके भी पहन सकते हो, ओपन करके भी पहन सकते हो, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है. एंड फॉर 80 भात द क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी नाइस. देखो सरोजनी में और थाईलैंड की मार्केट्स में यही फ़र्क है, सरोजनी में आपको डिफेक्टिव थोड़ा सा खराब सामान मिल सकता है, बट थाईलैंड की मार्केट्स में ऐसा नहीं है, सब कुछ फ्रेश गुड क्वालिटी का सामान मिलता है. सो डेफिनेटली आप ले सकते हो, ये मुझे काफ़ी प्रिटी लगा. एंड सेम स्टॉल पे मुझे ये रैंडमली दिख गया और मेरा मन कर गया लेने का, ऑल दो इसमें कुछ यूनिक नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगी. इट्स लाइक अ ड्रेस, आप इसको बूट्स के साथ विंटर में पूरा लाइक हाई नेक पहन लीजिए, इसके नीचे स्टाइल अप कर सकते हो, मुझे काफ़ी प्रिटी लगी. एंड ऐसे मेरे पास बहुत पहले एक ड्रेस थी, वो मेरी पता नहीं खराब हो गई थी, सो मुझे इसको देख के याद आ गया, चलो ले ही लेते हैं, 80 भात में मिल रही है. बड़ों के लिए लूना लूँ, मैं बच्चों के लिए हमेशा लेती हूँ, बिकॉज एक होता है ना फैमिली में बच्चों को बड़ा चाव होता है कि अच्छा बाहर गए हमारे लिए क्या लेके आए हो. सो मुझे बैग्स काफ़ी क्यूट लगे, ऑल दो आई थिंक ये इंडिया में और सस्ते रेट पे मिलते होंगे, पता नहीं, मुझे लेने के बाद लगा कि यार ये मैंने महंगे तो नहीं ले लिए, बट ले ही लिए. सो मुझे 300 भात के दो मिले हैं, दीज आर लाइक वेरी क्यूट क्यूट से बैग, आई थिंक मैं इनको भी कैरी कर सकती हूँ, मतलब आजकल जेंजी वाले थोड़े फैशन चल रहा है ना, बट नहीं, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं. इस पर ऐसे डॉल बनी हुई है, इस पर ऐसे फ्लावर बना हुआ है, बारबी बनी हुई है, और इसके अंदर आपको स्ट्रैप भी मिलती है, ये पूरी ऐसे स्ट्रैप मिलती है, आप इसको कैरी भी कर सकते हो. सो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, किसी बड़े को कैरी करना होगा तो भी अच्छा है. नेक्स्ट अब मैंने ये शर्ट लिया जो मुझे काफ़ी कूल लगी, मतलब देखते ही मुझे ऐसा लगा यार आई हैव टू बाय इट. ऑल्दो मैं कुछ ऐसे फालतू में टॉप कपड़े नहीं ले रही थी, मैंने काफ़ी सारे टॉप ऐसे देखे, मन किया फिर नहीं लिया, वाज लाइक नहीं फालतू में खर्च नहीं करना, बट ये देखते मुझे काफ़ी क्लासी लगा, मुझे बड़ी प्रिटी लगी, और ऐसे ओपन वाली शर्ट है, सो ऐसे बीची वेकेशन में भी आपको बिकनी के ऊपर ऐसे कवर अप पहननी होती है ना तो काम आती है, तो मैंने ले ली. दिस वन कॉस्टेड मी फॉर रुपीज़ हाउ मच 140 बात, या वो 150 बात बोल रही थी, बट देन मेरे पास जो चेंज थी वो 140 थी, एंड आई टोल्ड द लेडी 140 है मेरे पास, ले लो प्लीज़. शी वाज लाइक ओके, तो मुझे 140 में मिल गई, तो क्वालिटी इज़ रियली नाइस, पूरा टैग वैग लगे हुए कपड़े हैं. एंड देन आई बॉट सम टॉयज़ एज वेल, वहाँ पे ऐसे स्ट्रीट में ऐसे टॉयज़ बड़े मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब वहाँ की स्ट्रीट टॉयज़ भी आप देखोगे ना ऐसे ही लगता है लोकल क्वालिटी है, लाइक लुक एट द क्वालिटी. सो यार बच्चों के लिए तो बड़ा सही सही सामान था वहाँ पे, मुझे लगता है बड़ों से ज़्यादा बच्चों का वहाँ पे सामान मिल. कमिंग बैक टू द मार्केट विच वॉज नियर बाय आर होटल, तो जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उससे एक रात पहले मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे रोम अराउंड कर रहे थे होटल के आसपास कि देखते हैं क्या क्या मिलता है. वहाँ पे इवेंचुअली एक मार्केट टाइप लगी हुई थी, बाहर ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो वहाँ पर मुझे ये फुटवेयर दिखी, आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट. वहाँ पर एक और इशू है, कपड़े तो आपको छोटे साइज़ के मिलते ही हैं लेकिन फुटवेयर भी आपको छोटे साइज़ के मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पर यूजली जो लड़कियों की हाइट है वो कम है या पता नहीं, वहाँ पर आपको मैक्सिमम स्टोर्स में ना जो जूते हैं चप्पल है वो आपको 35, 34, 36 ये साइज़ के मिलेगी, और मेरा जो साइज़ है 38 है, सो काफ़ी जगह मेरे फुटवेयर नहीं मिल रहे थे, बट लकीली वो स्ट्रीट शॉप पे मुझे मिल गए, मैंने ट्राई की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी. दीज आर लाइक फ्लैट लेकिन बड़ी ब्लिंगी ब्लिंगी सी है ये, ब्लैक कलर की, और यहाँ पे ऐसे लॉक बना हुआ है तो आप इसको ऐसे ऊपर भी कर सकते हो पहनने के बाद कि आपको लुक कैसी चाहिए, टाइट चाहिए, लूज चाहिए. ऐसे वाले बैग्स मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है, मैं बाली से भी एक ऐसा बैग लाई थी जिस पर बाली लिखा हुआ था, सो ये हमने लिए हैं 100 भात ईच. सबसे पहले है ये वाला, इस पर भी ऐसे थाईलैंड लिखा हुआ है, देख सकते हैं हमें थाईलैंड लिखा हुआ है, वहाँ के ये पेटेंट प्रिंट है ऐसे हाथी वाले, ऐसे वाले आपको लाइक दिल्ली हाट वगैरह में मिल जाते हैं, बट यह एक होता है ना आपको वहाँ से एक मेमोरी लेके आनी हो. यहाँ पे ऐसे पूरा पार्टीशन है, आप अंदर यहाँ पे भी सामान डाल सकते हो. ये पूरा जिप वाला बैग है विच इज़ ऑफ अ रियली गुड क्वालिटी. तो सबसे पहले मैंने ये दो लिए हैं, एक गिफ्टिंग के लिए एक अपने लिए. हाइक लेने से एक या दो घंटे पहले मैं गई 7-Eleven. अगर आपको नहीं पता थाईलैंड का बड़ा फेमस स्टोर है, जैसे इंडिया में 24/7 होता ना वैसे वहाँ पे 7-Eleven है, और हर जगह मतलब लिटरली इनफैक्ट विद इन 500 मीटर आपको एक 7-Eleven मिल जाएगा. वहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं, नूडल्स, खाने का, केमिस्ट जितना भी फार्मेसी वाला सामान होता है वो सब मिलता है. तो मैंने काफ़ी सारे स्नैक्स ऐसे चॉकलेट्स वगैरह ले ली, काफ़ी सारी चीज़ें तो हम खा भी चुके हैं, लाइक आई गॉट कैंडीज एंड ऑल. मैंने वहाँ की कॉफ़ी ली है तो मुझे काफ़ी सही लगी, दीज आर शुगर फ्री सॉर्ट ऑफ कॉफ़ीज, मतलब इसमें ज़्यादा शुगर नहीं है. एंड या देन वी बॉट दीज इमलीज, थाईलैंड की काफ़ी फेमस है ये वाली इमलियाँ, तो मैंने इमली ली है. देन वी हैव दीज बाली चौको बॉल चौको, आई डोंट नो, ये वहाँ की रैंडम ब्रांड है. मैंने ऐसे अलग अलग स्नैक्स ले लिए थे. देन वहाँ का ये न्यूटेला,
देन आई पिक्ड अप देयर च्युइंगम जो मुझे काफ़ी सही लगी है। वैसे मैंने फ्लाइट के ली थी लेकिन मैंने लगेज बैग में डाल दिया। जब भी फ्लाइट टेक ऑफ लैंड करती है ना, अगर आप च्युइंगम च्यू करो ना तो कानों में पेन नहीं होता। नोज स्ट्रिप जो मेरे हस्बैंड को यूज़ करना पसंद है, ही लाइक दैट फीलिंग वाली सेंसेशन। ओ आई पिक्ड अप दिस पॉन्स का पाउडर, ये जब मैं पतिया में भी गई थी ना 7-Eleven पे, मुझे वहाँ पे दिखा था, मुझे काफ़ी कूल लगा। सो ये इनके काफ़ी सारी रेंज आती है, एक था कोरियन वाइट पाउडर, एक था नॉर्मल पाउडर। सो मैंने ये वाला पिकअप किया पॉन्स का ब्लरिंग फिल्टर ट्रांसलूसेंट फेशियल पाउडर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और ये बॉडी का नहीं है, ये फेस का ही पाउडर है। आप इसको ऊपर से पील करोगे, ऐसे पोल करोगे, देन यू कैन यूज इट ऑन योर फेस। इसकी मैं रील बनाने वाली हूँ, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया, सो मैं रील्स पर ये ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। आई ऑल्सो पिक्ड अप दिस कूल कवर फ्रॉम प्लैटिनम मॉल, बिकॉज आई थिंक इंडिया में ऐसे वाले कवर नहीं मिलते। इट्स लाइक शिनचान बना हुआ है या पॉप सॉकेट है ये, सो आप इसको ऐसे खोल के यूज़ कर सकते हो। बट या हाउ कूल इज दैट, मुझे बड़ा मस्त लगा। आई थिंक इंडिया में ऐसे वाले कवर नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने पिकअप कर लिया। रियली लाइक डट। आपने बैंकॉक की जितनी वीडियोज़ देखी हुई जिसमें पिकाचू चल रहा था क्रिसमस ट्री के आसपास, वो सेंट्रल मॉल है बैंकॉक का। सो क्रिसमस वाले दिन मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ पे नाइकी पे सेल लगी हुई थी लाइक 50% ऑफ, एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर मुझे वहाँ पे कॉटेज मिलेंगे आई विल पिक इट अप। दो मेरा इस बार इतना बजट नहीं था, बट आई वॉज वेरी क्लियर कॉटेज अगर मुझे सेल पे मिले मैं लेने वाली हूँ। मैं जैसी स्टोर में गई आई आस्क्ड कि यहाँ पे कॉटेज है, दे सेड येस वी हैव टू कलर्स अवेलेबल। और जैसी मैं वहाँ पे गई, मेरा फेवरेट वाला कलर जो मतलब चाहिए था मुझे, रेड टिक वाला, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूँगी बिकॉज अभी रूम में नहीं रखा यहाँ पर, वो मिल रहे थे फ्लैट 50% ऑफ पे। एंड मेरा साइज़ अवेलेबल था बिकॉज काफ़ी सारे साइज अवेलेबल नहीं थे, सो मैंने जैसे ही देखा मेरा साइज़ अवेलेबल है आई वाज लाइक येस आई हैव टू ग्रैब इट। आई लिटरली वीडियो कॉल माय हस्बैंड एंड ही वाज लाइक दो ले ले बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने अपने जो फर्स्ट कॉटेज मैं अभी तक पहनती हूँ ब्लैक वाले, वो मैंने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम से लिए थे। एक्चुअल जो प्राइस है कॉटेज का इट इज़ अराउंड 7.5K लाइक 7,500 इंडिया में। एंड उस टाइम मैंने लिटरली यूट्यूब की फर्स्ट इनकम जो आती है $100, मैंने सारे उसी अर्निंग से वो कॉटेज ले लिए थे बिकॉज मुझे काफ़ी कूल लगते। उस टाइम दीपिका पादुकोण कॉटेज ही पहनती थी अपने एयरपोर्ट लुक में, तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उसके बाद से मैंने कॉटेज दोबारा ही लिए बिकॉज ऑब्वियसली हमेशा ऐसा लगता था यार खर्चा है खर्चा है, बट जब मैंने वहाँ पे 50% ऑफ पे देखे एंड सेम प्राइस था, इंडिया वाला प्राइस ही वहाँ पर भी मिल रहा था, एंड 50% ऑफ में INR में कन्वर्ट करूँ मुझे 3500 के कॉटेज पड़े हैं। सो या अभी मैं कल परसों ना यहाँ पे साकेत के मॉल भी गई थी एंड जस्ट टू चेक कि यहाँ पे डिस्काउंट पे तो नहीं है। मैं वहाँ पे नाइकी के स्टोर गया है, लाइक यहाँ पे कॉटेज मिलेंगे डिस्काउंट पे, दे वाला इंडिया में कॉटेज कभी डिस्काउंट पे नहीं आते, और इतनी खुशी हुई थी ना मुझे देखिए ये सबसे बेस्ट चीज़ मैंने ली है। सो या दैट इज़ ऑल। इसके अलावा हम सियाम वहाँ भी गए थे, सियाम प्रीमियम फैक्ट्री आउटलेट, मतलब ये पूरा एरिया है बहुत दूर जाके, हमारा कैब का बड़ा खर्चा हुआ वहाँ जाने में, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं क्यों ही गई वहाँ पे बिकॉज एक तो इतना दूर था एंड वो फैक्ट्री आउटलेट है सारे हाई एंड ब्रांड्स के, तो अगर हम MK कोच जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं एक अच्छे डिस्काउंट पे लेना चाहते हो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। मुझे कुछ नहीं लेना था बिकॉज अगेन मनी सेव करनी थी, फालतू कुछ नहीं लेना था, सो मैंने पिकअप नहीं किया। बट अगर आपका बजट है या फिर आपका मन है लग्जरी स्पेंड करने का तो बैंकॉक में ये प्लैटिनम पलाडियम सेंट्रल वर्ल्ड यहाँ मत जाना, इनफैक्ट सीधा वहाँ सियाम प्रीमियम फैक्ट्री आउटलेट आप सर्च करोगे ना आपको वहाँ पर मिल जाएगा। गो देयर यू विल फाइंड हाई एंड ब्रांड्स ऑन रियली गुड प्राइस। इसको बोलने तो पहले इसको बोलने। So that is it for my Thailand haul. I hope इस वीडियो में खाली आपको देखने को नहीं मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए। जो भी मार्केट्स और जो भी डिटेल्स है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपको फ्यूचर में सेव करना, आप सेव करके भी रख सकते हो। सो या दैट इज इट फॉर डेज वीडियो। इफ यू लाइक इट गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सैडली इनके मैं लिंक्स नहीं दे सकती बिकॉज कुछ भी ऑनलाइन ही लिया हुआ है, सब कुछ वहाँ पर जाके लिया हुआ है। बट या डू लेट मी नो इस पूरे हॉल का सबसे फेवरेट पार्ट आपका क्या रहा, अगर आप थाईलैंड गए हो आपने कुछ शॉप किया है, आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर आपको कोई ऐसी चीज शेयर करनी हो कि आप वहां भी एक्सप्लोर कर सकते हो जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो, प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेक द कमेंट सेक्शन स्लाइटली इंफॉर्मेशनल एंड या दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।